हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या पांडे माया क्रिएटिव अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जो मेरे मित्र इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मैं छोटा सा अनुरोध करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएं। दोस्तों 1 जुलाई आ चुकी है, यानी जो बरसात का सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है और मानसून आ गया है। तो अगर आप अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स ऐड करना चाहते हैं, ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको ऐसे 5 प्लांट बताने वाली हूं फ्रेंड्स, जो कि इस बरसात में बहुत अच्छे से और बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे। और वैसे तो जो भी प्लांट्स होते हैं बरसात में, सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट भी मिलता है। चाहे आप कटिंग लगाइए, चाहे आप बीजों से लगाइए, चाहे आप प्लांट को रिपोर्ट करिए नर्सरी से न्यू प्लांट लेके आइए, सभी प्लांट जो है बरसात में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हमें मिलता है। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ 5 प्लांट ऐसे शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे और आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगे और आपको उनको बहुत जल्द उनमें फूल भी देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स ऐसे कौन से प्लांट हैं। तो सबसे पहला प्लांट, ये सभी लोगों का और मेरा भी बहुत ही फेवरेट प्लांट है, जो कि कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और ये नर्सरी में भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। इसकी कीमत भी बहुत अधिक नहीं होती है, 10 से 20 रुपए मात्र इसकी कीमत होती है। और अगर आप इसकी कटिंग कहीं से लेकर आते हैं तो ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये है पर्सलिन और इसकी जो फूल आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर इनमें देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार मॉसोस होते हैं, ये देखिए मॉसोस है, मॉसोस में भी देखिए कलियां आ रही हैं और बहुत अच्छे से ये फूल इनमें आते हैं और कटिंग से ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है। मैंने सिर्फ इसे एक ही बार खरीदा है नर्सरी से, दोबारा मुझे कभी खरीदने की आवश्यकता इस प्लांट को नहीं पड़ी है। और ये देखिए ये पर्सलिन का फूल है, ये देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है और कटिंग से ये भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इसके लिए आप एक बस वेल्डिंग मिट्टी बनाइए और इस प्लांट को आप जल्दी से बरसात में ग्रो कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे फूल आपके गार्डन में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये आते हैं, ये सभी का फेवरेट है, ये हमारा जेट प्लांट जिसे लकी प्लांट भी बोला जाता है। ये प्लांट भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, नर्सरी में भी ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। इसकी कीमत भी मात्र 15 से 20 रुपए या 25 रुपए होती है, बहुत अधिक महंगा ये प्लांट नहीं होता है। कटिंग से आप इसे ढेरों प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी आप एक वेल्डिंग मिट्टी बनाइए और ये किसी भी प्रकार के पॉट में लग जाता है, चाहे आप इसे 8 इंच के पॉट में लगाएं, 10 इंच के पॉट में लगाएं या इसे छोटी से छोटी बोतल में या छोटे से छोटे कंटेनर में लगाएं, ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है। उसी प्रकार ये प्लांट भी छोटी से छोटी बोतल, छोटे से छोटे पॉट, कंटेनर किसी में भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। जेट प्लांट जो है बहुत ही फेवरेट प्लांट है सभी का, इसे लकी प्लांट कहा जाता है। कहते हैं कि ये जो है मनी को अट्रैक्ट करता है, शुभ पौधा है, तो इसे अपने गार्डन में आप जरूर लगाएं फ्रेंड्स और ये पौधा आपको नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास ये प्लांट है तो आप वहां से कटिंग लाइए और इसे लगाइए, जरूर ग्रो करेगी। ये कटिंग का ही प्लांट है मेरा और देखिए कितना घना हो गया है। और मैं अगर आपको उसका पॉट दिखाऊंगी तो बहुत ही छोटे से पॉट में इतना घना ये मेरा प्लांट है, ये देखिए आप देखिए बहुत छोटा सा पॉट है और देखिए कितना घना हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। और ये मात्र मैंने ये देखिए इस छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं ये 10 रुपीज़ का जो पॉट आता है उसमें लगा हुआ मेरा प्लांट है। तो ये प्लांट भी आप जरूर लगाइए। अगला पौधा है फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैक्सिम पेटोनिया है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से प्लांट भी लग जाता है। इसके फूल जो है इस तरीके के बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनमें बीज भी तैयार होते हैं, बीज जहाँ गिरेंगे ये पौधा वहीं से ही ग्रो हो जाएगा, लेकिन कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। इनमें जो है व्हाइट कलर, ऐसे पर्पल कलर और पिंक कलर देखने को बहुत अधिक मिलता है। ये कटिंग से ही लगाया हुआ मेरा प्लांट है, देखिए कलियां भी बन रही हैं और जो है फूल भी इसमें आ रहे हैं। ये भी आप किसी प्रकार के पॉट में लगा सकते हैं, छोटी सी छोटी बॉटल, बड़े से बड़े पॉट 8-10 और जो है चेंज के पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं। देखिए मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, 10 रुपीज़ का जो पॉट आता है प्लास्टिक पॉट उसमें लगाया हुआ है, आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे फूल देगा। बालकनी में आप लगाइए हैंगिंग बास्केट में, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये प्लांट भी, ऐसे ही जेट प्लांट भी और मॉसरोज भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं बालकनी में। उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स ये है अगला पौधा, ये देखिए ये तो मैंने छोटी सी बॉटल में लगाया हुआ है, ये है रियू का प्लांट, इसे बोट भी कहा जाता है। इसकी कटिंग भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी से ये प्लांट ग्रो करता है और इसका जो रिजल्ट है वो 100% आपको मिलता है, सभी प्लांट का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। और ये जो प्लांट है ये भी ढेरों कटिंग आप इसकी तैयार कर सकते हैं। इसकी जो है मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए आप देख रहे होंगे इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते हैं यहाँ से, ये देखिए बस आपको इसको यहाँ से कट करना है, यहाँ से आप इसको कट करिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, बस आपको इसको यहाँ से कट करना है और मिट्टी में आप इसे दबा दीजिए, ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाएगा। ये नर्सरी में जो है आसानी से मिल जाता है, इसकी भी बहुत अधिक कीमत नहीं होती है, आप इसे किसी भी प्रकार के पॉट में लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसे छोटी सी बॉटल में लगाया हुआ है। अगला पौधा फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारा जो है कनेर का प्लांट और कनेर का प्लांट जो है ये भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये देखिए कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है, मैंने छोटी सी बॉटल में लगाया हुआ है कट करके इसको और देखिए इसका छोटा सा जो है यहाँ से जो है नीचे से प्लांट भी आने लगा है, ये देखिए इसमें और मैं दिखा रही हूँ इसमें कलियां भी बन गई हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये कटिंग का प्लांट है। तो आप समझ रहे होंगे इसको लगाना कितना आसान है और मैं इसको आपको जरूर शेयर करूँगी, जब इसमें फूल आएंगे तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं। रोड के किनारे बहुत ही आसानी से प्लांट ग्रो करता है, बहुत हार्डी प्लांट है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो की, कौन कौन से प्लांट है जो कि आप बहुत आसानी से जो है कटिंग से लगा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।